क्रिया की अवधि के रूप में होना स्पष्ट है। क्रिया अपने में निरंतर संपन्न होती ही रहती है, साथ में कुछ क्रियाएं आवर्तित होती रहती है। ऐसे आवर्तन की निरंतरता बनी रहती है, कभी बंद होती ही नहीं। ऐसे निरंतर संपन्न होने वाली क्रिया के एक आवर्तन के आधार पर काल को पहचानने का आधार माना गया। धरती का अपने एक घूर्णन गति में पूरी धरती में दिन रात्रि संपन्न होना पाया जाता है। इसी को एक दिन की संज्ञा दी गई है। ऐसी दिन रात्रि की क्रिया सदा सदा से चली आई है, चलती रहेगी। इस अवधि को 24 भाग 60 भाग से विभाजित कर घंटा, मिनट, घटी, पल आदि नामों से पहचानते हैं। काल यानी समय तो अभी के जो हमारा जीवन शैली है उसमें जो सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव अभी पूरा लगता है हमको या जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो समय है। तो काल के बारे में बाबा जी ने यहाँ पे पूरा परिभाषा दिए है और हमको समझाए हैं कि कोई क्रिया की अवधि है उसको काल की परिभाषा दिए है। कोई एक घटना है, कोई क्रिया है, वो घटित होता है, वो उसको काल कहते हैं। और कोई भी क्रिया इस अस्तित्व में निरंतर संपन्न होते ही रहती है और आवर्तित भी होती रहती है और इसकी निरंतरता बनी ही हुई है। तो ऐसे ही एक क्रिया को हमने पहचाना है और उसके रेफरेंस में हमने काल को, समय को पूरे विश्व भर में स्टैंडर्डाइज किया है। तो जैसे सौर मंडल में देखते हैं तो पृथ्वी अपने धरी पर घूर्णन गति में घूमती है और सूर्य के आसपास अपने वर्तुलाकार पथ पर भी एक गति करती है। वर्तुलाकार गति में वो धरती घूमती है। तो जो अपने ही धरी पर जो घूर्णन गति है उसको हमने 24 हिस्सों में बांटकर 60 हिस्सों से विभाजित कर एक दिन का समय निश्चित किया है। और जब धरती पूरा एक चक्कर सूर्य के आसपास लगाती है, पूरा सर्कल खत्म होता है, उसको हम एक साल कहते हैं। तो ये पूरा धरती का आवर्तन है। तो घूर्णन गति का जो आवर्तन है वो हर 24 घंटे में रिपीट होता है, वो साइक्लिक है, आवर्तन होता रहता है। और ऐसे ही जो धरती का घूमना है सूर्य के आसपास वो भी सालों से ये होता ही आ रहा है। और इसी से हम विभाजित करते कि अभी जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें टाइम, सेकंड एंड मिनट्स को पहचानते हैं और हमारा जो वैदिक कैलेंडर है उसमें घंटा, मिनट, घटी और पल ऐसे नामों से हम पहचाने हैं। इसमें आगे लिखे हैं, इस ढंग से हम समय का विभाजन करते गए, क्रिया को भूल गए। समय के आधार पर हर क्रिया का मूल्यांकन करने के लिए तैयारी कर लिए। समय प्रधान हो गया, वस्तु भूल गए। इस भूल के आधार पर लिए गए सभी निर्णयों से समस्याएं पैदा हुई। क्रिया व फलन के आधार पर मूल्यांकन होने की आवश्यकता बनी रही। तो ये तीन चार जो लाइन है वो मेरे लिए भी, मेरे स्वयं को समझने के लिए मुझे बहुत ही उपयोगी लगा कि हम इस प्रकार से समय को विभाजित करते गए, समय को निश्चित कर लिए, लेकिन उसके पीछे जो क्रिया है उसी को भूल गए, क्रिया के महत्व को ही भूल गए। और फिर हमारे लिए क्रिया को भूलकर समय ही महत्व हो गया। कभी कभार तो ऐसा लगने लगता है कि ये समय के हिसाब से ये क्रिया हो रही है। पर हुआ ऐसा है, अस्तित्व सहज विधि से जो पृथ्वी का जो घूर्णन और वर्तुलाकार जो गति है वो जो पृथ्वी का आवर्तनशीलता जो बनाए रखे है उसके हिसाब से हमने समय को तय किया है। और जैसे हमने समय को महत्व देकर हमने पूरा
जो लक्ष्य हमारा बना लिया कि हमको इस समय में ये चाहिए, तो हमने स्वास्थ्य को भी ध्यान में ना रखते हुए ऐसे ही जो हमारे खाने के लिए सब्जियां और फल सबका जो उत्पादन है उसको कोई समय की निश्चितता करने के लिए हमने उसके बीजों में पूरा मॉडिफिकेशन किया, जो जीनेटिकली मॉडिफाई करके उसके सब सब्जियां उगा रहे हैं, उसका कॉटन उग रहा है, तो वो हम क्रिया को भूल गए, उसका जो महत्व है उसको भूल गए, स्वास्थ्य के महत्व को भूल के हम उत्पादन ज्यादा लेने के लाभ में हमने ये गड़बड़ किया और समय प्रदान हो गया और वस्तु को ही भूल गए, और इस भूल के आधार पर सभी जो निर्णय लिए गए हैं उससे समस्या पैदा हुई। तो अभी के जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी हम देखे तो पूरा समय आधारित है, जो मार्केटिंग के भी जो जॉब रहते हैं कि आपको इस समय में इतना कार्य करना है, वो कार्य का महत्व को फिर वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि इस समय में हो पाए, और वरना उसका पूरा प्रेशर रहता है और उतने समय में ही आपको वो काम को पूरा करना ही रहता है। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव समय का मुद्दा है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, आगे और बाबा जी स्पष्टताएं किए हैं। क्रिया के अवधि के रूप में काल गणना होना स्पष्ट है। क्रिया अपने रूप में निरंतर शाश्वत है। होना होते रहने रहना के अर्थ में काल गणना है। सह अस्तित्व अपने आप में नित्य निरंतर होने के अर्थ में है। नित्य निरंतरता होना स्पष्ट होता है। यही निरंतरता काल संज्ञा में आती है और शाश्वतता भी काल संज्ञा में आती है। संपूर्ण प्रकृति शाश्वत होने के आधार पर, अविनाशी होने के आधार पर शाश्वतता प्रमाणित होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थावस्था अस्तित्व धर्म के रूप में विद्यमान है। यही पदार्थावस्था विकसित होकर प्राणावस्था में वैभवित होने के आधार पर अस्तित्व सहित पुष्टि धर्मी होना पहचान में आ चुकी है। संपूर्ण जीव में अथवा जीवावस्था अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्मी होना समझ में आ चुकी है। इसी क्रम में मानव अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुखधर्मी होना स्पष्ट है। तो फिर से काल गणना किस प्रकार से होती है, तो क्रिया की अवधि है उस विधि से हम काल गणना होना स्पष्ट है, और क्रिया है वो अपने आप में निरंतर है, शाश्वत है, तो पूरे सह अस्तित्व में सभी क्रियाएं शाश्वत है, निरंतर है, वो चलती ही आ रही है और चलती ही रहेगी, और इसी शाश्वतता भी काल संज्ञा में हमको पहचान में आता है। तो इसको हम बाबा जी ने एग्जाम्पल दिया है, इसको हम समझ सकते हैं कि पदार्थावस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व है, यानी बना रहना, वो सालों सालों से पदार्थावस्था बनी ही रही है, और प्राणावस्था जो है उसका धर्म अस्तित्व सहित पुष्टि है, तो पुष्टि होते ही रहता है, उसको हम देखते ही हैं, और जीवावस्था अस्तित्व पुष्टि सहित उसका आशा सहित आशा पूर्वक जीना, और वैसे ही ज्ञान अवस्था का अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख पूर्वक जीना स्पष्ट है। सह अस्तित्व में अनुभव बराबर समाधान बराबर सुख, अनुभव से ही सुख होने की बात भी सुस्पष्ट हो चुकी है। इस विधि से अस्तित्व अविनाशी होना समझ में आता है, इसीलिए काल नित्य वर्तमान ही है। वर्तमान वस्तु के रूप में सह अस्तित्व ही है। वर्तमान को ही हम काल नाम दिए हैं। काल शब्द में वर्तमान ही अर्थ है। वर्तमान के रूप में सह अस्तित्व ही है। इस प्रकार
काल सह अस्तित्व के अर्थ में नित्य वर्तमान होना समझ में आता है। ये तीन चार लाइनों में पूरा अलग ही दृष्टि से बाबा जी ने हमारे सामने काल को रखा है। तो काल, नित्य वर्तमानता और सह अस्तित्व, तीनों शब्दों को लेकर अलग अलग विधि से अलग अलग वाक्य बनाकर उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की है कि सह अस्तित्व में अनुभव से ही समाधान और उसी से ही सुख होने की बात स्पष्ट है, और उसी से हमको सह अस्तित्व अविनाशी होना समझ में आता है, और इसीलिए काल नित्य वर्तमान है। तो काल नित्य वर्तमान है, उसको कैसे समझे? तो अभी जो हम क्रिया कर रहे हैं वो वर्तमान में हो रहा है। एक मिनट पहले भी जो मैं यहां से बोला वो भूतकाल हो गया, और आगे जो बोलूंगा वो भविष्य हो गया। यदि हम भूतकाल के बारे में कोई घटना को याद करते हैं तो वह भी इसी वर्तमान में ही कर रहे हैं, और यदि हम भविष्य के बारे में भी कोई चित्रण करते हैं तो वो भी वर्तमान में ही हो रहा है। तो हर क्रिया वर्तमान में ही हम कर रहे हैं, और इस प्रकार से जो काल है वो नित्य वर्तमान है, यह बाबा जी कह रहे हैं। और वर्तमान वस्तु के रूप में सह अस्तित्व ही है। तो हमने आगे जो चारों अवस्थाओं का रूप गुण और स्वभाव धर्म देखा वो पूरा उसका धर्म है, वो सह अस्तित्व के रूप में वर्तमान है, नित्य वर्तमान है, और वो हम देख सकते हैं। चार अवस्था व्यापक में सभी इकाइयां डूबी भीगी और गिरी है और संपृक्त है, यही सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है। और वर्तमान के रूप में सह अस्तित्व निरंतर शाश्वत बना हुआ ही है, और इस प्रकार काल सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान होना समझ में आता है। और एक विधि से हम देखें तो स्थिति और गति के रूप में सह अस्तित्व है, तो स्थिति के रूप में बना हुआ ही है, और सभी अवस्थाओं का धर्म है वो स्थिति के रूप में बना हुआ ही है, और गति के रूप में फिर हम उसका अलग अलग प्रभाव देख सकते हैं। और कुछ घटना के रूप में हम देखते हैं कि नित्य वर्तमान है अस्तित्व, जैसे कि कोई एक पूरे अस्तित्व में कोई एक जगह पे कोई एक बच्चे का जन्म होता है, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है, किसी का मृत्यु भी होता है, वैसे ही कोई पेड़ छोटा है, कोई बीज के रूप में है, कोई बड़ा भी है। तो पूरे अस्तित्व में हर क्रिया नित्य वर्तमान होती ही रहती है, और नियम के रूप में भी हम देखें तो अस्तित्व में नित्य वर्तमानता है। और एक उदाहरण ले तो हम जो मानव का आपस में व्यवहार है उसका मूल्यांकन करें तो वो किस आधार पर करें, तो वो भी वर्तमान के आधार पर ही हम मूल्यांकन कर पाते हैं। जैसे अभी ये जो सेशन चल रहा है तो अभी या हम कोई दो व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं तो किसी का मूल्यांकन हो रहा है तो वो उस समय में होगा कि भूतकाल में जो 2 साल पहले मिले थे तब उस व्यक्ति का जो व्यवहार था, तब का जो मूल्यांकन था उसको हम अभी मानेंगे, या तो फिर भविष्य में 2-4 सालों के बाद क्या व्यवहार होगा, क्या मूल्यांकन होगा उसको हम मानेंगे। तो यदि हम व्यक्ति को भी मूल में रखते हैं और व्यवहार को भी जांचने जाते हैं, मूल्यांकन करने जाते हैं, तो वो वर्तमान में ही होता है। और आगे बाबा जी ने एक्सप्लेन किया है, भूत और भविष्य के अर्थ में जो काल को पहचानते हैं वह भी क्रिया की अवधि के आधार पर ही पहचानते हैं, क्योंकि हर आवर्तनशीलता पहले भी घटी थी, अभी भी घट रही है और आगे भी घटती रहेगी।
इस विधि से हम घटना के आधार पर भूत भविष्य वर्तमान को गढ़ने जाते हैं। मानव कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र होने के आधार पर सहज क्रिया की अवधि को अनेक भागों में विभाजित करते हुए हम काल शून्य की जगह में पहुंच जाते हैं। यह एक छोटी सी घटना मानव के लिए अत्यंत सुलभ है। एक घंटे को 60 से विभाजित करते चले जाएं, उसमें एक को पुनः विभाजित कर दे, इसको कई बार करने के बाद कितना बचा कहने पर कहते हैं कुछ नहीं के बराबर या कुछ नहीं। यह भी मानव के भटकने का आधार बन गया। इसीलिए विज्ञान युग में काल को पहचानना सर्वाधिक जटिल हो गया, संभव नहीं है ऐसा लगता है। तो भूत और भविष्य काल को भी जैसे हम पहचानते हैं, आगे भी थोड़ा चर्चा किए, तो हर आवर्तनशीलता जो घटी है वो भूतकाल में भी घटी थी और भविष्य में भी घटेगी। जैसे पृथ्वी का ही उदाहरण ले तो उसका जो वर्तुलाकार और घूर्णन दोनों गति है वो पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और हम विज्ञान को समझने के लिए फिर समय का कोई समय को लिए, उसको फिर 60 से डिवाइड किए, उसको जो मिला उसको भी हम विभाजित करते गए तो फिर शून्य बचा। और फिर इस युग में शून्य में कैसे आगे पहचाने, समय को कैसे पहचाने, बहुत ही जटिल हो गया। तो इसको हम देख सकते हैं तो भौतिक संसार के रूप में देखें तो इसमें एक ध्यान में रखने वाला मुद्दा ये है कि इधर जो बाबा जी ऐसा नहीं कह रहे कि समय का कोई मूल्य नहीं है या समय को हमको ध्यान में नहीं रखना है या समय से हमको कुछ नहीं मिला है, पर समय को देखने का उन्होंने एक नया नजरिया दिया है। जो विज्ञान ने समय को जिस रूप में देखा है तो उससे हमने कई सारा आविष्कार भी किया है और उसको हम हासिल भी किए हैं, सफलताएं भी पाए हैं। जैसे कि हम ये कोई सेशन अरेंज करते हैं तो उसको हम कोई समय तय करते हैं और उसी समय पे हम सब लोग मिलते हैं। फिर हम बाहर के ग्रह गोल में अंतरिक्षयान भेजते हैं तो उसमें भी हमने समय के ऊपर काम करके पूरी ग्रह गोल की स्थितियों की, उनकी स्थिति और गति को पहचान के हम समय को आधार में रखते हुए ही वो सब काम कर पाए हैं। बहुत सारे आविष्कार हुए हैं पर ये इसलिए भौतिक संसार में ये सब रिसर्च के कामों में समय आवश्यक है, पर हम जीवन रूप में हमारी अध्ययन की गति को या दूसरे मानव को भी जीवन रूप में देखें, मूल्यों को, व्यवहार को, चरित्र को, संबंधों को देखें, तो उसमें समय को नित्य वर्तमानता के रूप में देखने पर ही हमको स्पष्टता होती है। हम संबंध को, व्यवहार को, चरित्र को भूतकाल या भविष्यकाल में मूल्यांकन नहीं कर सकते, हमको नित्य वर्तमानता में ही व्यक्ति के साथ मूल्यांकन करते हुए ही आगे बढ़ना है। ये ऐसा मेरे समझ में आया है। आगे लिखे हैं, वर्तमान अगर शून्य हो जाए मानव के आचरण को कहाँ पहचाने, व्यवहार को कहाँ पहचाने, मानव ज्ञान विज्ञान विवेक को पहचानने की जगह कहाँ है। इसीलिए मानव समस्याग्रस्त होकर समस्या को घटित करने लग गया, इसको अपना बहादुरी माना। इसी में मानव परंपरा काफी डूब चुकी है। आगे बचने का रास्ता यही है, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान विकास और जागृति का नित्य प्रकाशन, विकास व जागृति को प्रमाणित करने वाला एकमात्र मानव होने को पहचानने के आधार पर ही मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा पूरी हो पाएगी। तो वही बाबा जी प्रश्न पूछे हैं कि वर्तमान यदि शून्य हो जाए तो फिर मानव को कहाँ जांचेंगे, कहाँ पहचानेंगे, और फिर मानव को पहचानने की, उसको जांचने की जगह ही नहीं बची, तो फिर
मानव को हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, और इसीलिए फिर समस्या से ग्रसित हो गए। और आगे भी जो हमने चर्चा की, मुझे तो यही ध्यान में आता है कि भौतिक चीजों में, कुछ ऐसी बेसिक चीजों में हमको समय का सही मूल्यांकन करना आवश्यक है और समय का पालन करना भी आवश्यक है। पर लेकिन हम जीवन रूप में देखते हैं, हमारे जागृति क्रम को देखते हैं और उसमें फिर विकास क्रम को देखते हैं और उसमें फिर समाधान की और लक्ष्य, समाधान का लक्ष्य बना के उस और गति करने को देखते हैं, तो उसमें जो समय है वो नित्य वर्तमान है। सह अस्तित्व में जो काल है वो नित्य वर्तमान के रूप में है। उसको इस विधि से पहचानने से ही हमको स्पष्टता होती है, इसी से फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आगे के 2 साल में मुझे विश्वास समझ में आएगा, फिर 1 साल बाद मुझे सम्मान समझ में आएगा, 2 साल और 2 साल बाद प्रेम समझ में आएगा, या फिर ऐसा भी कहना मुश्किल है कि भूतकाल में मुझे विश्वास था, अभी थोड़ा मुश्किल है कहना। क्योंकि हमको अपने स्वयं के मूल्यांकन के लिए भी काल को वर्तमान, नित्य वर्तमानता के रूप में पहचान कर, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है उसको पहचान कर, संपृक्तता को पहचान कर स्वयं का मूल्यांकन वर्तमानता में ही हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये काल वाला चैप्टर था। और प्रश्न कोई है तो देख लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं है। और इस प्रस्तुति के लिए, हमारा जो पठन हुआ, अध्ययन हुआ, और इस प्रस्तुति के लिए हमको जो व्यक्त होने का अवसर मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश गुप्ता जी और संस्थान और सब, आप सभी ने भी हम पर विश्वास रखा कि हम इसको कर सकते हैं, इस काम को, और इसी से फिर हमारा भी विश्वास बढ़ा है। और हमारे जो प्रस्तुति की एक्सप्लेनेशन में कोई समझाने में कोई क्षति रह गई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप टेलीग्राम में प्रश्न मुक्ति ग्रुप में प्रश्न पूछ सकते हैं। उसमें जो प्रबोधक है राकेश गुप्ता जी और दूसरे प्रबोधक उत्तर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।